अपने हैंड ड्रॉन को कोरल ड्रॉ में कैसे बना सकते हो। सबसे पहले हम लेंगे ए फोर साइज पेपर। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक हैंड स्केच रखा है, इसको मैं कॉपी करती हूँ। सबसे पहले आप हमेशा एक सेंटर लाइन लीजिए, इससे आप एक साइड ड्रॉ करोगे और दूसरी साइड पेस्ट कर सकोगे। लॉक कर देती हूँ, बाद में आपको डिस्टर्ब ना करें। मैं आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। या सबसे पहले अपर पार्ट बनाएंगे। अपर पार्ट बनाने के लिए आप एक सर्कल लीजिए। आप सेंटर में अगर सर्कल बना रहे हैं लेकर, तो हमेशा शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करके बनाइए। इससे आपका सेंटर भी होगा और आपने और परफेक्ट सर्कल बनेगा। नहीं तो आप शिफ्ट अगर सिर्फ प्रेस करके बनाएंगे तो ये ओवल बनेगा। अब हम ये पार्ट बनाते हैं। ये पार्ट बनाने के लिए हम फ्री हैंड टूल से को यूज़ कर सकते हैं। एक पॉइंट पर क्लिक करके दूसरे पॉइंट पे हमें क्लिक करना है। याद रखिए आप कंट्रोल प्रेस करके बनाएं, इससे आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब इसे हम कर्व करते हैं। आप डबल क्लिक करके, याद रखिए डबल क्लिक करके फिर राइट क्लिक करना है, तो ये आपको ऑप्शन दिखेगी हमें कर्व करना है। आपको दिख रहा होगा दो एरो दिख रहे हैं, हम इसे कर्व करते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये हमारा इस साइड का कंप्लीट हो गया। हमें दूसरी साइड पेस्ट करना है, तो हम माउस से करेंगे, इससे जल्दी होगा। नहीं तो कंट्रोल और पेस्ट करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। घर हम कीबोर्ड से करें, आपको दिख रहा होगा ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। एक पॉइंट्स को लेकर हमें कंट्रोल प्रेस करके दूसरी साइड ड्रैग करके हमें राइट क्लिक करना है। याद रखिए हमेशा पेस्ट करते समय हमें लेफ्ट और राइट बटन दोनों माउस को क्लिक करना है, तो ये पेस्ट होगा। अगर आप कोरलड्रॉ पे नए हैं तो आपको टाइम लगेगा इसे करने में। अब हमें इसे कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए हमें दोनों ही दिख रहा होगा आपको, कंबाइन बटन दिख रहा है। हमें या तो कंट्रोलर या तो इसे प्रेस कर दीजिए, ये कंबाइन हो गया। अभी आप देख रहे हो कि अभी ये ऑब्जेक्ट अभी कर नहीं होगा, क्योंकि अभी टू मोड्स इन दोनों के मोड्स कंबाइन नहीं हुए हैं, जुड़े नहीं हैं। हमें इसे सेलेक्ट करके, आप यहाँ पर देख रहे हो टू मोड्स जॉन टू मोड्स, सेम शेप है। बस आपको शिफ्ट प्रेस करके सेम काम करना है, दोनों लेफ्ट एंड राइट बटन दोनों आपको क्लिक करने हैं माउस के, ये हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो ये एक राउंड है, बहुत इजी सा है, हमें रिपीट करना है। ये हमने ग्रुप कर लिया और ये हमें इसके राउंड हमें रिपीट करना है, तो हम इस सर्कल का सेंटर लेंगे। इसका सेंट्रल पॉइंट है, उसके साथ बना देंगे। अभी आप देख रहे हो इसको मैं ग्रैब कर रही हूँ और फिर से सेम पेस्ट। अब हम ये चीज करें, अब हम कंट्रोल आर प्रेस करके हम इजीली इसको रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने में याद रखिए कि आपका डिस्टेंस सही होना चाहिए, क्योंकि हम हाथ से बनाते हैं तो हमारा सारा शेप की साइजें सेम नहीं होती है। हमें थोड़ी बहुत इसमें खुद से चीज़ें थोड़ा घटाना बढ़ाना होगा, तभी ये जाके एडजस्ट होगा। क्या आपको कई बार ट्राई करना होगा कि ये पॉइंट या तो इसके सेंटर में आए या तो इसके बाहर जाए, तो भी ये जाकर एडजस्ट होगा। आप देख रहे हो एकदम सेंटर में आ गया है, तो इजीली आप कंट्रोल आर प्रेस करके ये देख रहे हो पूरा
एकदम परफेक्टली फिट हो गया। फिर मैं बीच में एक और राउंड है, अब सेम शिफ्ट प्रेस करके आप पीस कर दोगे। मैं ज़्यादातर हेयर लाइन मैस लेती हूँ, बट आपको दिखाने के लिए मैंने 0.2 mm ही लिया है। सेम हमने इसका सेंटर इसके सेंटर पे मिलाया क्योंकि हमको इसके अराउंड लेना है। अब हम नीचे का पार्ट बनाएंगे। नीचे का पार्ट भी हमें फ्री हैंड टूल से साथ बनाना होगा। ये आप देख रहे हो पूरे कर्व्स हैं, बहुत इजी है फ्री हैंड टूल। नीचे एक पॉइंट से आप देखो, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हमें सिर्फ हाफ बनाना, हाफ हम पेस्ट करेंगे। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एंड फिर डबल क्लिक करके राइट क्लिक ऑप्शन आप देख रहे हो। बस आपको इसके साथ थोड़ा आपको टाइम देना होगा तो आप इसको इजी कर सकोगे। आप अभी आपका एरो फिक्स नहीं हो रहा होगा, अभी आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप एक बार करना स्टार्ट कर दोगे तो ये बहुत ईजी है। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आपके हैंड ड्रॉइंग में और आपका कोरल ड्रॉइंग में, क्योंकि हैंड ड्रॉइंग परफेक्ट नहीं होती है, उसमें थोड़े से साइजेस डिफरेंस होते हैं। आप एक ही चीज़ अगर रिपीट में करके बनाओगे तो वो सेम साइज की नहीं बनेगी, और कोरल ड्रॉइंग में आप सेम साइज की बना सकते हो। देख रहे होंगे कि आउटलाइन की कुछ थिकनेस है, इसको हम लेंगे और यहाँ पे हम थिकनेस इसकी बढ़ाएंगे। इसे 0.75 रखते हैं। ये हमारा आउटलाइन बन गया। अब हम ये फ्लोरल पार्ट पे चलते हैं। यह केक पर भी बहुत शार्प है, शार्प सजाने के लिए मैं इसको पॉइंट्स दे देती हूँ जिससे ये शार्पनेस हट जाएंगे। अब इस पार्ट को बनाएंगे सेम हम फ्री हैंड टूल का यूज करेंगे। कोरलड्रॉ में इसलिए बेटर होता है, आप इजी कलर दे सकते हो, शेडो दे सकते हो विदाउट पेंसिल कलर। और आपको बैक जाने के लिए आपको फुल इरेज नहीं करना होता है, बस कंट्रोल जेड। याद रखें कि हमेशा आप किसी चीज़ को बना रहे तो उसको जॉइन कर दीजिए। आप जॉइन करोगे तो बाद में आपका कलर फिल नहीं होगा, और आप अगर एक एक करके कलर फिल करने बैठोगे तो आपको फिर से टाइम लगेगा। आप उसी वक्त बनाओ, उसी वक्त जॉइन कर लो। किसी से जॉइन नहीं है, मैं क्या करूँगी कि ये पार्ट मैं दूसरी साइड
ही मैं आपको डायरेक्ट कलेक्शन करना नहीं बता रही हूँ, पहले आपको ऑफलाइन बताऊंगी कि आपको इजी होगा पहले ऑफलाइन समझने में, फिर आप कलर शेड शेडो फिर भी आप सीखें। Thank you.
पहले हम इसे कॉपी करेंगे, इसे सिलेक्ट करके, क्योंकि इसे अभी हमें जॉइन करना है। इसको हम कैसे कलर करेंगे, कैसे इसमें वो शाइन लाएंगे, कैसे शेडो लाएंगे, ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।